subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आज हमारे साथ युवा भूमिपुत्र रुपेश धुमाल साहब जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे आज जो मसाल का आयोजन किया गया है, किस तरह से आयोजन किया गया है और क्या कुछ खास रहेगा आज? आज का आयोजन इस तरह किया है कि जिब्बा पाटिल साहब की जो कर्मभूमि है, जो जन्मभूमि है, उनके गांव से मशाल जला के वो मशाल हर एक गांव में जाने वाली है, चारों ज़िलों में, मतलब मुंबई में भी जाने वाली है, थाना रायगढ़ पालघर, ये चार ज़िलों में ये लेके जाने वाले हैं। जिब्बा पाटिल साहब के जन्मभूमि का, जो जिब्बा पाटिल साहब के काम करने का जो विचार है, वो वारसा हम लोग हर एक गाँव में पहुँचाने वाले हैं। ये इस आंदोलन की खास बात है। सर, आप लोगों ने दो तीन मोर्चा नॉर्मली निकाल चुके हैं लेकिन सरकार ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है इस मसाल से सरकार की नींद या उनकी आँख की पट्टी खुलेगी? अगर देखा जाए, नींद में रहना और नींद का ढोंग करना, ये दोनों अलग चीज़ है। अभी का सरकार है वो नींद का ढोंग कर रही है कि हम नींद में है, लेकिन उनको 10 तारीख का जो मानवीय साखले आंदोलन हुआ वो दिखा नहीं किया, उसके बाद में 24 तारीख को जो आंदोलन हुआ वो दिखा नहीं किया। मतलब यहाँ के जनभावना का कोई भी आदर ये सरकार नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे साहब ने एक बोला था कि हम मुख्यमंत्री ये 5 साल के लिए रहता है, अभी उनको नींद भूमिपुत्र का एक सवाल है कि आने वाले अगले इलेक्शन में आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि अगर आप इतने लोगों की जनभावना का आदर नहीं करते तो आपको अपने पिताजी का ही नाम प्यारा है, तो आप पिताजी पकड़ के आप घर में बैठे रहो। यहाँ का भूमिपुत्र दिवाटी साहब का नाम विमानतल को कैसे लगाना ये खुद जानता है। आपको क्या लगता है इस सरकार को जो घाई है, क्या लगता है क्यों घाई है? आवाज़ नहीं आया। आपको क्या लगता है सरकार को इतनी जल्दी जल्दबाजी क्यों है, क्योंकि अभी सालों साल लगेगा एयरपोर्ट को बनने में, क्या जल्दबाजी? एयरपोर्ट तो 3 साल में रेडी होने वाला नहीं है, लेकिन अगले 5 साल में इनकी सरकार जाने वाली है, ये इनको पता है। इसकी वजह से वो जल्दी कर रहे हैं कि कुछ भी करके हमें यहाँ पे उनके बाला साहब ठाकरे का नाम लगाना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ दिवाटी साहब का ही रहेगा। सरकार के ऊपर आपका कुछ भरोसा है अभी? कुछ भरोसा है अभी सरकार के ऊपर आपका? सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ के भूमिपुत्रों पर भरोसा है कि वो सरकार को ये नाम दिलाने को राजी कर सकते हैं, ये यहाँ के भूमिपुत्रों पे भरोसा है। अगला कदम क्या रहेगा आपका 16 तारीख को 15 तारीख को? अगला कदम ऐसा रहेगा कि मतलब आज का मशाल मोर्चा है, 16 अगस्त के बाद सड़कों के हर एक काम हम लोग बंद करने वाले हैं, विमानतल का काम बंद करने वाले हैं, कोई भी काम हम होने नहीं देंगे जब तक दिवाटी साहब के नाम का ठहराव ये प्रशासन और सड़कों प्रशासन करती नहीं तब तक। भूमिपुत्र रुपेश पाटिल का कहना है कि जब तक दिवा पाटिल साहब का नाम नहीं लगता है तब तक इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे, और भूमिपुत्र का विश्वास है कि दिवा पाटिल का ही नाम एयरपोर्ट को लगेगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट साई पवार साथ पंकज जनवंशी की रिपोर्ट, जासई पनवेल। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।